समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करना सपा नेता डॉक्टर रोहित तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। बता दें कि हाल ही में रोहित तिवारी मिश्रा ने अपने ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा था, स्वामी प्रसाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रतिबंधित करवाएंगे। 2012 में रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, इस नारे के साथ अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। क्या मानस का मुद्दा लेकर सपा पुनः सरकार बना पाएगी? इसके साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान की जमकर आलोचना की। बता दें कि ऋचा सिंह ने प्रयागराज से 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वह बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह से चुनाव हार गई थी। इसी बीच आज ही सपा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक सलाह जारी करते हुए कहा है कि धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से बचने की सलाह दी है। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति उठाई थी। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश हैं, उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए।